Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 24. Question is, the polynomial x cube plus 2x square minus 5ax minus 8 and x cube minus ax square minus 12x minus 6 when divided by x minus 2 and x minus 3 respectively. Leave the remainder p and q. P और q remainder भी छोड़ते हैं एक साथ. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, if p minus q is 10, find the value of a. a की value बतानी है और q minus p, यहाँ पे q minus p 10 हमें दिया हुआ है. तो अब मैं पहले जो given है बारी बारी से एक एक करके मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ. पहले पहला पॉलिनोमियल px से रिप्रेजेंट कराता हूँ, x cube plus 2x square minus 5ax minus 8 gives remainder. remainder कितना देगा, gives remainder p2 when divided by x minus 2 से जब डिवाइड कराएंगे तो p2 देगा. क्यों देगा, क्योंकि जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और 2 वैल्यू जैसे ही हम पहले पॉलिनोमियल px में रखेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम. तो अब जरा पहला यहाँ पे देखते हैं, तो p2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू 2 देन माइनस 8. ये कितना आया, ये आ गया 8 प्लस 8 देन ये कितना आ गया 10a माइनस 8. तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 8 माइनस 10a, ये आ गया p2. और वैसे ये कितने के बराबर है, वैसे बराबर है p के. ये भी तो दिया हुआ है कि जब x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो p रिमाइंडर आता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 माइनस 10a इज इक्वल टू p. इसे मार्क कर लीजिए 1. सिमिलरली जब आपका रिमेंट, जब आप qx, अब qx में यहाँ पे क्या ले लेता हूँ qx, और qx कितने के बराबर हो जाएगा, x cube दूसरा वाला पॉलिनोमियल माइनस के a x स्क्वायर, दिस इज माइनस 12x माइनस 6, माइनस 12x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से. x माइनस 3 से gives remainder q3 देगा, और q3 कितने के बराबर होगा निकाल लेते हैं. q3 is equal to 3 cube minus के a into 3 square minus 12 into 3 minus 6. तो 3 का cube 27 then minus के 9 a and then ये 12 3 से कितना हो जाएगा minus 36 minus 6. तो अब आप देखिए minus के 9 a आगे ले लेता हूं. Now, 36 में से 27 का डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आएगा माइनस 9 और माइनस 6. तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस 9 है एंड देन माइनस 15, ये आ गया. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके के बराबर होगा, ये q के बराबर होगा. तो दिस इंप्लाइज दैट 9a माइनस 15 इज इक्वल टू q. ये इक्वेशन 2 ले लीजिए. क्यों, क्योंकि यहां पर हमें गिवन है ये. अब आप क्या करा दीजिए, q माइनस p इज इक्वल टू 10 है. Since q minus p is equal to 10 है, तो from 1 and 2 से p और q की value यहाँ पर रख दीजिए. q की value कितनी है, minus 9 है, minus 15, और p की value कितनी है, p की value as such आपने 8 minus 10 ही, तो 8 minus 10 ये निकालिए जो कि 10 के बराबर है. अब जरा इसे solve कीजिए, minus के 9 है, minus 15, minus 8, minus minus plus 10 है is equal to 10. Now 9a minus का और 10a plus का a आया, और minus 15 minus a minus के 23 is equal to 10. तो a की value कितनी हो गई, 10 plus 23 is equal to 33. तो a की value 33 आ गई जो हमें calculate करनी थी.